बात करते हैं मानसून की, जिसने 6 दशक के बाद दिल्ली और मुंबई में एक साथ दस्तक दी। बरसात ने पारा तो गिराया, लेकिन मूसलाधार बरसात ने दोनों को दहलाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। दिल्ली और मुंबई दोनों जगह से हादसों की खबर आ रही है, उसी पर रिपोर्ट है, देखिए। मुंबई और दिल्ली में मेघराज जमकर गरज भी रहे हैं और बरस भी रहे हैं। करीब 62 साल बाद दिल्ली और मुंबई में मानसून ने एक साथ दस्तक दी है। राजधानी दिल्ली से लेकर मुंबई तक, यूपी से लेकर हरियाणा तक बारिश का आफतकाल शुरू हो चुका है। आज जा रहे हैं जी पंचकुला से। आई ये खौफनाक तस्वीरें देखिए। पंचकुला के मंगोली मंदिर में मत्था टेकने आई एक महिला नदी के तेज बहाव के चलते हादसे का शिकार हो गई। महिला ने अपनी कार नदी के किनारे खड़ी की थी। बारिश के चलते अचानक नदी में पानी का तेज बहाव आया, जिसकी चपेट में कार आ गई। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह रेस्क्यू कर महिला की जान बचाई। दोनों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में एडमिट कराया गया। लोग कार को बाहर निकालने में कामयाब नहीं हुए, कार पानी में बह गई। इधर मुंबई में हो रही मूसलाधार बारिश के बीच बड़ा हादसा हुआ है। घाटकोपर इलाके के राजावाड़ी कॉलोनी में एक 4 मंजिला इमारत का हिस्सा ढह गया। हालांकि हादसे में किसी की जान नहीं गई है, क्योंकि सही वक्त पर एनडीआरएफ की टीम ने पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया। मलबे में दबे 6 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। लेकिन हादसों का सिलसिला यहीं नहीं थमा। मुंबई के विले पार्ले में इमारत की बालकनी अचानक गिर गई। सीसीटीवी में हादसे की खौफनाक तस्वीरें कैद हुई हैं। देखिए, इस इमारत के नीचे जुलूस गुजर रहा था, तभी नीचे मलबा गिरता है, साथ में कुछ लोग भी। हादसे के कुछ देर पहले तक लोगों की भीड़ इस इमारत के नीचे खड़ी थी। गनीमत रही कि उन लोगों के हटने के बाद बालकनी का हिस्सा गिरा, नहीं तो और बड़ा हादसा हो सकता था। इस हादसे में 5 लोग जख्मी हुए हैं। इस हादसे के पीछे भी बारिश ही वजह बताई जा रही है। मुंबई में हर बार की तरह इस बार भी मानसून ने तमाम तैयारियों को पानी में बहा दिया है, क्योंकि पहली ही बारिश में मुंबई के तमाम सबवे और सड़कें जलमग्न हैं। अंधेरी सबवे और विले पार्ले का मिलन सबवे पानी पानी है। तस्वीरें आपको दिखाऊं कि ये जो मिलन सबवे है, ये भी ऐसी जगह है जहां पर बारिश के दौरान जो है जल जमाव हो जाता है। अंधेरी सबवे है, वहां पर जल जमाव हो जाता है। और कल जैसे ही बारिश दस्तक हुई है, उसके बाद से ही जब जल जमाव की स्थिति पैदा शुरू हो गई है, तो ये सवाल उठने लगे कि क्या नाली की सफाई जो है ठीक से नहीं हुई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यही वजह है कि बारिश के बाद बाढ़ के हालात से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लेने खुद सीएम शिंदे मैदान में उतर पड़े हैं। ये निकल रहे हैं एकनाथ शिंदे, और वो जो है इस तरह से मुंबई के तमाम इलाकों में जहां पर जल जमाव की स्थिति होती है, वहां पर वो आज जो है मुआयना करने पहुंच रहे हैं कि वास्तव में क्या जल जमाव की क्या स्थिति है और क्या इंतजाम किए गए हैं। उधर दिल्ली में भी मानसून ने हादसों के साथ दस्तक दी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। साक्षी आहूजा नाम की महिला दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए अपने परिवार के साथ आई थी। गाड़ी से उतरने के बाद वो लोग प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे थे। महिला पास में लगे पोल को पकड़कर आगे बढ़ी। पोल में करंट से महिला की मौत हो गई। साक्षी आहूजा नाम की ये महिला 2 महिलाओं के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची थी, और जब वो महिला यहां पर पहुंची, क्योंकि रात से ही तेज बारिश यहां पर हो रही है और यहां पर काफी पानी भरा हुआ था, तब पानी से बचने के लिए महिला ने उस खंभे को टच किया जो आप तारे सामने देख रहे हैं। फिलहाल उनको भी ढक दिया गया है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये तारे खुली हुई तारे थी और इसमें करंट दौड़ रहा था, और जैसे ही महिला का हाथ वहां पर लगा, महिला को बहुत तेज झटका लगा, जिसके बाद महिला यहीं पर गिर गई। बारिश की वजह से आरकेपुरम मार्केट एरिया में बिल्डिंग का हिस्सा ढह गया। हालांकि गनीमत यह रही कि हादसे में किसी भी तरह का जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।